लॉकडाउन से पहले ही करती लोगों की सेवा हेल्पलाइन आज अपनी टीम के साथ शिकोरपुर गांव व गांव में नेत्रहीन परिवारों के पास जाकर उनकी आर्थिक मदद के साथ साथ एक माह के सूखे राशन की व्यवस्था की, जिससे लॉकडाउन के चलते उनका ये बुरा समय आराम से कट सके। हेल्पलाइन के संस्थापक नौशाद मलिक काफी पहले से ही इन परिवारों की मदद करते आ रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते 20 तारीख से प्रतिदिन हेल्पलाइन जरूरतमंदों को सेवा में लगी हुई है। कभी जरूरतमंदों के लिए पका हुआ खाना, तो कभी नाश्ते का सामान या सूखे राशन व सैनिटाइजर व डेटॉल साबुन मास्क का वितरण करती आ रही है। आज भी हमारी न्यूज टीम हेल्पलाइन के साथ चलकर देखा हेल्पलाइन फिलवाड़ी गाँव में एक नेत्रहीन परिवार में माँ शिमला व उसके पुत्र विकास के पास गए, जो दोनों आंखों से नेत्रहीन है। प्रशासन द्वारा भी उनकी कोई मदद नहीं की जा रही है। वही इसके बाद हेल्पलाइन उस परिवार की तकरीबन 2 साल से मदद करती आ रही है और गांव शिकोरपुर जो कि बागपत में ही मौजूद है, जो कि गैस सिलेंडर फट जाने से दोनों आंखें खो चुका था, जिसका नाम मनोहर। हेल्पलाइन ने मनोहर की भी आर्थिक मदद की और साथ ही एक माह के राशन की व्यवस्था भी की। शुरुआत में संस्था की शुरुआत नौशाद मलिक व एडवोकेट विकास मलिक नामक दो नौजवानों ने की है, जो बड़ौत के निवासी है। हेल्पलाइन के इस नेक कार्य को देखते हुए कई नेक दिल नौजवान निकल कर हेल्पलाइन से जुड़ रहे हैं, जिनमें मुख्य रूप से एडवोकेट जयवीर सिंह तोमर, विश्वास चौधरी, फहीम अहमद जी, एडवोकेट आकिब चौधरी, सलीम मुल्तान, इरशाद मलिक आदि नौजवानों ने सामने आकर हेल्पलाइन के माध्यम से समाज की सेवा में लगे हुए हैं, जिससे इस महामारी को हराकर समाज को कोरोना नामक बीमारी से मुक्त किया जा सके। ये नौजवान व हेल्प का उद्देश्य केवल मानवता की सेवा करना है। हेल्पलाइन धर्म जाति मजहब से हटकर सभी धर्मों के लिए काम करती है। इनका उद्देश्य केवल मानवता को इस मुश्किल दौर से निकालना है और लोगों को कोरोना नामक महामारी के प्रति जागरूक करना है। हेल्पलाइन सभी से सोशल डिस्टेंस का पालन करने व सरकार व डॉक्टर का पूर्ण सहयोग व सम्मान करने की अपील करती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फहीम अहमद है। जो आप नए काम कर रहे हो, कब से कर रहे हो? जी वैसे तो हमारी पहले एक सोसाइटी है, और सोसाइटी के बाद भी हम अभी एक नई संस्था बनाई हमने हेल्पलाइन, इससे इसमें मैं जुड़ा हूँ। नौशाद भाई को देखते हुए इनका काम मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इनके साथ मैंने जुड़ने का फैसला लिया और ये काम हम 20 तारीख से कर रहे हैं। और ये लॉकडाउन हुआ था 22 में एक बार, एक दिन के लिए, और फिर 24 में हुआ, उसके बाद कंटिन्यू हम ये काम कर रहे हैं। और ये समय है, जब से कोरोना वायरस चला है बहुत लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, और यही इंसानियत दिखाने का समय है। और इस समय बहुत लोगों की हमने हेल्प भी कर दी है, और मेरी अपील है आप सभी लोगों से, आप भी अपने आस पड़ोस को देखें और उनकी हेल्प करें। ये ऊपर वाले का शुक्र अदा कीजिए कि हम इस लायक बने हैं कि हम हेल्प कर रहे हैं। अब तक कितने लोग आपने हेल्प किया है? अभी हमने तकरीबन 200 के करीब कर दी है। हमने उनको 11-12 किलो राशन के करीब, उसमें सब कुछ होता है, जो खाने की सामग्री होती है वो हमने दे दी है।